एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर है जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर। ये क्लास 12th का हिस्ट्री है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑलरेडी इसके बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनके वीडियो आ चुके हैं। आज हमारा औपनिवेशिक शहर जो चैप्टर 12 है, 12th चैप्टर नंबर है, 12th क्लास भी है, हिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसको शुरुआत से जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है ये और क्यों इम्पोर्टेंट ये आपके एग्जाम के लिए है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है औपनिवेशिक शब्द का अर्थ क्या होता है। अब औपनिवेशिक चैप्टर के कीवर्ड भी ही है तो इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है। औपनिवेशिक शब्द का अर्थ होता है उपनिवेश से जुड़ा होना। क्या मतलब होता है? उपनिवेश से जुड़ा हुआ होना अथवा उससे संबंध रखने वाला, या तो उससे जुड़ा हुआ होगा या फिर उससे इसका किसी भी प्रकार का रिलेशन होगा, संबंध होगा, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी विकसित और संपन्न राष्ट्र द्वारा अपने से पिछड़े हुए राष्ट्रों पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करना। देखिए, अगर कोई बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, बहुत संपन्न है, बहुत पैसे वाला है, और अगर वो अपने से गरीब राष्ट्र या पिछड़े हुए राष्ट्र पे जबरदस्ती क्या करता है, आर्थिक थोपता है, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को और सांस्कृतिक स्थिति को थोप के उस पर अपना नियंत्रण करता है, उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो ऐसे चीजों को आप उपनिवेश के नाम से जानेंगे। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, उन देशों के संसाधनों का उपयोग अपने हित में करता है। जो गरीब राष्ट्र होता है और जो अमीर राष्ट्र उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है या फिर सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को थोपता है, इसके अलावा उसके यहाँ जो संसाधन होते हैं उसका उपयोग वो अपने लिए करता है, इसे उपनिवेशवाद के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमारे भारत पे किया था, वो सबसे पहले यहाँ आए व्यापार करने के माध्यम से और हमारे यहाँ अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को थोपना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ हमारे यहाँ के जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उसका उपयोग वो अपने हित के लिए करने लगे, तो ये सब क्या कहलाएगा? औपनिवेशवाद कहलाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कहता है उपनिवेश शासन में शहर। जब ये औपनिवेशिक शासन चल रहा था उसमें शहरों की कंडीशन क्या थी, शहरों का हालात क्या था, तो पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। पश्चिम के देशों में जितने भी बड़े बड़े शहर थे या बड़े बड़े देश थे वो किसके साथ आए, औद्योगिकरण के साथ ही बनना शुरू हुआ था। देखिए, कोलकाता, बंबई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बन गया था। जो भारत में ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनके हिसाब से कलकत्ता, मुंबई और मद्रास को इन्होंने प्रेसिडेंसी बना दिया था, क्योंकि यह इनके व्यापारिक व्यापार का, बिजनेस का मुख्य केंद्र बन गया था, क्योंकि ये सारे जगह जो थे वो समुद्र के किनारे से लगने वाले थे, जहां से इनका व्यापार जहाजों के माध्यम से दूसरे मुल्क, दूसरे दुनिया में आराम से हो सकता था, इसलिए इन्होंने इन शहरों को प्रेसिडेंसी बना दिया। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। इन तीनों शहरों पे ज्यादा ध्यान देने के कारण बाकी जो शहर थे वो कमजोर पड़ते जा रहे थे। खास चीजों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहां चीजें बनती थी, उनकी मांग घट गई। अब बहुत सारे ऐसे भी शहर थे जहां पे लोकल व्यापार होता था, कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता था जो पहले दूसरे शहरों में बिकता था, लेकिन जब से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा इन्हीं तीनों शहर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, या फिर आप मद्रास कह सकते हैं, अब पहले तो मद्रास हुआ करता था, अभी चेन्नई हो गया, तो इन सभी पर इतना ध्यान दिया जाने लगा कि बाकी के शहर पिछड़ने लगे, इनके यहाँ जो चीजें बनती थी उसका व्यापार नहीं हो पाता था। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया, स्थानीय राजाओं का कहने का मतलब है जो अंग्रेज जब आए थे उस समय हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे, इनका जो छोटे छोटे राज्यों के राजा हुआ करते थे अंग्रेजों के द्वारा, उन्हें हरा दिया गया था, शासन के नए केंद्र पैदा हुए। जब अंग्रेजों ने इन्हें हरा दिया उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से, अपने पद्धति के अनुसार शासन का नया नया शहर चुन लिया और क्षेत्रीय सत्ता को पुराने केंद्र रह गए। अब पुराने जो केंद्र थे, जो राजा महाराजा के समय में बनाए गए थे, जो दरबार हुआ करता था या फिर जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, उसे समाप्त कर दिया गया और अंग्रेज अपने हिसाब से यहाँ पे सत्ता का केंद्र बनाना शुरू कर दिया।
इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विशहरीकरण कहते हैं। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफी ज्यादा विशहरीकरण हुआ, मतलब इसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि पुराने राजाओं के द्वारा इसे बनाया गया था। ये पुराने राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन जब अंग्रेजों द्वारा इन राजाओं को हरा दिया गया तो उनके शासन के केंद्र को भी तबाह कर दिया गया, और जो पुराने इनके सत्ता के केंद्र थे या शासन के केंद्र थे या राजधानी था या इनका प्रमुख शहर था, उसे हटाने की क्रिया को हम विशहरीकरण के नाम से जानते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में केवल 11% लोग शहर में रहते थे। अगर 20वीं सदी की शुरुआत की बात की जाए, स्टार्टिंग टाइम, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ पूरे जनसंख्या का 11% लोग ही शहरों में रहा करते थे, बाकी सब गांवों में रहते थे। आगे की स्लाइड में हम बढ़ना चाहेंगे। आगे का स्लाइड हमारा कहता है कस्बा क्या है, कस्बा को भी जानना जरूरी है। कस्बा विशिष्ट प्रकार की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। कस्बा क्या था, विशिष्ट प्रकार की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का, मतलब यहाँ पे ऐसे कार्यक्रम होते थे जिसमें हम आपको आर्थिक गतिविधियां भी ले आएंगे और सांस्कृतिक गतिविधियां भी ले आएंगे। यहाँ पर शिल्पकार हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, प्रशासक हुआ करते थे तथा शासक रहते थे। एक प्रकार से शाही शहर और ग्रामीण अंचल के बीच का स्थान था, मतलब सबसे टॉप लेवल वाला भी नहीं था और सबसे नीचे लेवल वाला भी नहीं था, ये बीच का एक स्थान था जिसे हम कस्बा के नाम से जानते थे। और यहाँ पे आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हुआ करती थी, यहाँ पे शिल्पकार रहते थे, व्यापारी, प्रशासक और शासक भी रहते थे, इसीलिए इसे हम ग्रामीण अंचल, जो गांव वाला क्षेत्र था वो, और शहर के बीच का स्थान कहते हैं, जिसे आप कस्बा के नाम से जानते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। आगे का स्लाइड हमारा कहता है शहरों की स्थिति। जिस समय ये सब चीजें चल रही थी, औपनिवेशीकरण चल रहा था या औपनिवेशवाद चल रहा था या उपनिवेश चल रहा था, उस समय शहरों की क्या स्थिति थी। औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख बड़े शहर विकसित हुए, 3 बड़े शहर विकसित हुए किस काल में, औपनिवेशिक काल में। शहरों की स्थिति के बारे में जान रहे हैं आप, तो ध्यान से समझिएगा कि औपनिवेशिक काल में जो शहरों की स्थिति थी उसमें से 3 शहर ऐसे थे जो बहुत ज्यादा विकसित हुए, जिसमें मद्रास, कोलकाता और बंबई है। इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया था कि बंबई, मद्रास और कोलकाता समुद्र के किनारे से लगने वाले शहर थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें बहुत ज्यादा विकसित किया। ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे। मत्स्य मतलब मछली होता है, यहाँ पे मछुआरों की जनसंख्या ज्यादा थी और बुनाई का काम भी होता था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक गतिविधियों के कारण, मतलब बिजनेस के कारण, महत्वपूर्ण केंद्र बनाए इन सभी जगहों को। किनको, मद्रास को, बंबई को और कोलकाता को अपना महत्वपूर्ण केंद्र बनाया, जिन्हें प्रेसिडेंसी शहर भी कहा जाता है। इससे पहले हमने प्रेसिडेंसी शहर के बारे में चर्चा किया था, तो इन्हें इसलिए प्रेसिडेंसी कहा जाता है क्योंकि इन्हें व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया गया था। ब्रिटिश इंडिया ने इसे अपने फायदे के लिए इन तीनों शहरों को खूब बढ़ाया था, खूब आगे की ओर ले गया था। देखिए यहाँ पे है, शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर करता था कि प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है, क्योंकि वहीं रोजगार एवं व्यापार तंत्र मौजूद होते थे। सबसे समझने वाली बात है, शहर इस बात पर ज्यादा विकसित होता था या फिर अंग्रेजों का ध्यान इस बात पर ज्यादा होता था शहरों पर कि वहां पर प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है या नहीं, क्योंकि वहीं रोजगार और व्यापार तंत्र मौजूद होते थे। इसी कारण से जहां व्यापार ज्यादा होता था अंग्रेजों के द्वारा, उन शहरों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। मुगलों द्वारा बनाए गए शहर भी प्रसिद्ध थे, जिसमें जनसंख्या के केंद्रीकरण अपने विशाल भवन तथा अपनी शाही शोभा एवं समृद्धि के लिए जाना जाता था, जिसमें आप आगरा, दिल्ली और लाहौर प्रमुख थे। देखिए, राजा जो हुआ करते थे उस समय, जो मुगल शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा भी जो बनाई गई बिल्डिंग्स थी या कहिए भवन थे, वो भी बहुत प्रसिद्ध थे। और वो कहाँ कहाँ थे, तो आगरा में थे, दिल्ली और लाहौर में मौजूद थे, जो शाही प्रशासन के केंद्र थे। इन्हें शाही प्रशासन मतलब शासन या फिर उस समय के राजा के वर्चस्व का केंद्र भी आप कह सकते हैं। शाही नगर किले बंद होते थे, किले बंद के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बार चर्चा कर दी है, तो आप समझ जाइए कि शाही नगर जो था वो किले बंद हुआ करता था। उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, कारवा, सराय, बाजार, महाविद्यालय सभी किले के अंदर होते थे। अब जो ये राजाओं के द्वारा ये शाही किले का निर्माण किया जाता था, इसके अंदर वो सारी फैसिलिटी रखती थी, किले के अंदर ही उनका सारा फैसिलिटी हुआ करता था। क्या होता था,
उद्यान होता था, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, कारवा, सराय, बाजार, महाविद्यालय सभी उन्हीं किलों के अंदर होते थे तथा विभिन्न दरवाजों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। दरवाजे कई सारे होते थे और हर एक दरवाजे से अंदर आने वाला और बाहर जाने वाले पे उनके प्रहरी जो होते थे या फिर गार्ड कहिए या सिपाही कहिए उन पर नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल रखते थे। तो ये था शहरों का स्थिति। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में परिवर्तन जो हुआ, अब देखिए यहाँ पे जो औपनिवेशीकरण हो रहा है उसमें जो 18वीं सदी में कुछ परिवर्तन आए हैं उनके बारे में भी जानना है। मुगल साम्राज्य का पतन हो, पहले तो आप समझ लीजिए कि जितने भी मुगल शासक हुआ करते थे उनका पतन हो गया, वो खत्म हो गए, उनको अंग्रेजों द्वारा हरा दिया गया, मार दिया गया, भगा दिया गया। पतन होने के साथ ही पुराने नगरों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। जैसे ही मुगल का शासन समाप्त हुआ वैसे उनके द्वारा बनाए गए जितने भी पुराने नगर थे उनका भी अस्तित्व समाप्त हो गया और क्षेत्रीय शक्तियों का विकास होने के कारण नए नगर बनने लगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे नए नए नगर मतलब सिटी या शहर बनने लगे। इसमें लखनऊ, हैदराबाद, सोरेंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर आदि उल्लेखनीय हैं। जो मुगल शासक के शासन खत्म होने के बाद क्षेत्रीय शासन को सब शक्ति मिला तो उसके बाद जो नए शहर बने उनका नाम है लखनऊ, हैदराबाद, सोरेंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर आदि, ये सब इंपोर्टेंट शहर हैं जो बाद में निर्माण हुआ। व्यापारिक प्रशासन, शिल्पकार तथा अन्य व्यवसायी पुराने नगरों से यहाँ आने लगे। देखिए अब समझने वाली बात है, जो व्यापारी थे, जो प्रशासक थे, जो शिल्पकार थे और अन्य व्यवसायी भी थे जो अलग अलग तरह के व्यापार करते थे, वो पुराने नगर को छोड़कर और नए नए शहरों में आने लगे। कहाँ? यही लखनऊ, हैदराबाद, सोरेंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर में आके रहने लगे। उनको काम तथा संरक्षण उपलब्ध था। वो यहाँ पे क्यों आने लगे? क्योंकि ये जो नए शहर बने थे ना इनपे यहाँ उनको काम ज्यादा मिल रहा था और वो संरक्षित मतलब सुरक्षित महसूस कर रहे थे। चूंकि राज्यों के बीच युद्ध होते रहते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में युद्ध होते रहते थे, इसलिए भाड़े के सैनिकों के लिए भी काम होता था। सैनिकों के काम के लिए भी लोग यहाँ पे आने लगे ताकि हमें सैनिक बना लिया जाए ताकि हमें रोजगार प्राप्त हो। पलासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि हुई। पलासी युद्ध जब सिराजुद्दौला को पलासी के मैदान में हरा दिया गया उसके बाद अंग्रेजों का जो व्यापार था वो ज्यादा विकसित हो गया और मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई जैसे शहर आर्थिक राजधानियों के रूप में स्थापित हुए थे। अब यहाँ पे समझिए सिराजुद्दौला के हारने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो मद्रास है, कलकत्ता है और बंबई है वो आर्थिक राजधानियों के रूप में स्थापित किया गया क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था और ध्यान देने का कारण ये था क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र बन गए थे और व्यापारिक केंद्र बनने का कारण ये था कि ये समुद्र के किनारे थे जहां से इनका व्यापार एक देश से दूसरे देश में आसानी से हो सकता था। राजधानियों के रूप में स्थापित हुए, शहर औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता का केंद्र बन गया। अब समझिए कि अंग्रेजों के द्वारा जो इन शहरों पर ज्यादा ध्यान दिया गया उसके बाद क्या हुआ कि शहर जो है वो औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र के रूप में बन के उभरा। ये 18वीं सदी में होने वाले वो परिवर्तन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है औपनिवेशिक रिकॉर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस टॉपिक को हम क्लास सिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास सिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने विस्तृत रिकॉर्ड रखा, इस जिस देश पे उन्होंने राज किया ना उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखा क्योंकि अगर हमें किसी देश पे राज करना है तो उसके बारे में सब कुछ ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे नियमित सर्वेक्षण किया, अपने स्टाफों को, अपने अपने अंदर के लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजा और कहा कि सर्वेक्षण कर लाओ। सांख्यिकी डाटा एकत्र किया, अपने व्यापारिक मामलों को विनियमित करने के लिए अपने व्यापारिक गतिविधियों को आधिकारिक रिकॉर्ड प्रकाशित किए। मतलब ये समझ लिए कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लोगों को भेज के वहां की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया, उसे संरक्षित करके रखा अपने पास। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 ईस्वी में किया गया। देखिए सबसे पहले जो भारत के अंदर सर्वेक्षण, सर्वे, जनगणना करने की बात की जाए तो ये 1872 में हुआ लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। ऑलरेडी हमने कई बार चैप्टरों में इसे पढ़ा है। इसके बाद 1881 ईस्वी में 10 वर्ष में होने वाले जो सर्वेक्षण थे फिर पुनः किया गया। जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई, जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई कि हर एक 10 साल के बाद यहाँ पूरे देश में एक सर्वेक्षण किया जाएगा।
जिसे शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा जनसंख्या के फैलाव पर नियंत्रण किया जा सके और वार्षिक नगर पालिका का कर वसूला जा सके। ये सर्वेक्षण इसलिए था ताकि इन सभी चीजों पर कंट्रोल हो सके। शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था, जनसंख्या के फैलाव पर नियंत्रण हो सके। इन्हीं कारणों से इन लोगों ने सर्वेक्षण की पद्धति हर एक 10 साल पे शुरुआत कर दिया। लेकिन देखिए, यहाँ पे जब अंग्रेजों के द्वारा सर्वेक्षण हो रहा था तो कुछ कठिनाइयां भी उत्पन्न हो रही थी। अब शुरुआत में ये गए सर्वेक्षण करने, यहाँ के लोगों को कुछ पता नहीं था, तो लोग जो है ना वो सही जानकारी ही नहीं देते थे। जब किसी के यहाँ जाकर कुछ पूछा जाता था, नाम बताइए, तो वो कुछ से कुछ बता देते थे, वो जानकारी देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए सर्वेक्षण में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मृत्यु दर और बीमारियों के आंकड़े एकत्र करना मुश्किल था, कितने लोग मर रहे हैं। आज के समय में आपने देखा होगा कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों का आंकड़ा सरकार के पास बहुत सटीक होता है, क्योंकि अभी तो चलिए डिजिटल समय है, सब डिजिटल माध्यम से हो जाता है, लेकिन उस समय ये सब नहीं था। उस समय तो पेपर कलम का जमाना था, तो लोग जानकारी भी नहीं देते थे और इस तरह के जन्म मृत्यु दर को एकत्रित करने में इन्हें काफी कठिनाइयां भी होती थी। इस तरह से यहाँ पे औपनिवेशिक रिकॉर्ड के बारे में आपने समझा। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको व्हाइट और ब्लैक टाउन के बारे में जानना है। व्हाइट और ब्लैक टाउन क्या है? तो औपनिवेशिक शहरों में गोरो, गोरो कहने का मतलब है व्हाइट लोग, जो अंग्रेज हुआ करते थे, अर्थात अंग्रेज, और काले का मतलब ब्लैक, जो हम भारतीय हुआ करते थे। हालांकि मैं वाकई में प्योर भारतीय हूँ, आज मुझे कहने में ये गर्व हो रहा है कि मैं ब्लैक हूँ और मैं भारतीय हूँ। अर्थात भारतीयों को अलग अलग बस्तियां होती थी। व्हाइट और ब्लैक को समझिए कि जो अंग्रेज आए थे गोरे, उनका रहने का जगह अलग हुआ करता था, इसलिए उन्हें व्हाइट कहा जाता था, और हम भारतीय जिसे ब्लैक के नाम से जाना जाता था, उनका जगह अलग हुआ करता था। तो ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए इसका नाम दिया गया है। उस समय क्या था, लेखन में भारतीयों की बस्ती को ब्लैक टाउन और गोरों की बस्तियों को व्हाइट टाउन कहा जाता था। लिखने की प्रक्रिया में जहां भी बात आती थी ना, तो जो गोरे लोग होते थे उनके रहने वाले जगह को व्हाइट टाउन कहते थे, और जहां पे भारतीय रहते थे उसे ब्लैक टाउन कहते थे, यही कह के उसे संदर्भित किया जाता था। इस शब्दों का प्रयोग नस्ली भेद प्रकट करने के लिए किया जाता, मतलब नस्ल में अंतर प्रकट करने के लिए, बताने के लिए किया जाता था कि भाई वो ब्लैक है इसका मतलब भारतीय है, वो व्हाइट टाउन है इसका मतलब वो गोरों का शहर है। अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता की मजबूती के साथ ही यह नस्ली भेद भी बढ़ता गया। जैसे जैसे अंग्रेजों का हमारे ऊपर जोर बढ़ता गया, जैसे जैसे उनका शासन बढ़ता गया, वैसे वैसे ही नस्ल का भेद भी बढ़ता गया, ये गोरे और काले का भेद बढ़ता गया। इन दोनों बस्तियों के मकानों में भी अंतर होता था। काले लोग मतलब भारतीय, ब्लैक लोगों का बस्ती और व्हाइट लोगों के बस्ती में भी बहुत अंतर होते थे। सिविल लाइन में बंगले होते थे, एक लाइन से सुरक्षित शहरों की तरह बनाया जाता था। सुरक्षा के लिए इनके पास छावनियां भी बसाई गई थी, किसके पास, व्हाइट के पास। लेकिन वहां पे दूसरी तरफ अगर ब्लैक की बस्तियों की बात कर लें, तो ब्लैक गंदे होते थे और यहाँ पे बीमारी फैलने का डर होता था। जहां पे भारतीय रहते थे वहां पे किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं होती थी, लोगों को ऐसे ही जानवरों की तरह रहना पड़ता था। लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट की बस्तियों की बात की जाए, तो वहां पे इनके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा, मतलब कि डॉक्टर, वहां पे छावनी है, सेना है जो उनकी सुरक्षा प्रदान कर सके, लेकिन ब्लैक वालों के लिए कोई ऐसी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट टाउन था, व्हाइट टाउन जहां पे गोरे रहते थे और ब्लैक टाउन जहां पे भारतीय रहते थे। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है कि औपनिवेशिक काल जो था उस समय भवनों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण तीन शैलियां प्रचलन में आई, तीन तरह की जो टाइप्स थे, तीन तरह से बनाने की बिल्डिंग के तरीके यहाँ पे प्रचलन में आए। पहला है नवशास्त्रीय, जिसे नियोकॉलिसिकल भी कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े स्तंभों के बीच रेखा गणितीय संरचना पाई जाती थी, जैसे बंबई का टाउन हॉल एवं एलिफिस्टन सर्कल, दो बड़े मशहूर बिल्डिंग है, बंबई का टाउन हॉल और एलिफिस्टन सर्कल। ये पहले नवशास्त्रीय विधि से बनाया गया था, जिसमें स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचना पाई जाती थी। तो ये तो पहला तरीका था। दूसरी शैली थी नव गॉथिक शैली थी, जिसमें ऊंची ऊंची छत हुआ करती थी, बड़ा ऊंचा ऊंचा छत हुआ करता था, और नोकेदार मेहराब, बारीक साज सज्जा देखने को मिलता था, जैसे सचिवालय, बंबई विश्वविद्यालय और बंबई उच्च न्यायालय, इन सबके ना गुंबद बड़े ऊपर ऊपर है, छत बहुत ऊंचा है। तो ये दूसरा शैली था जिससे उस समय औपनिवेशिक काल में भवनों का निर्माण होता था, बिल्डिंग बनाई जाती थी। और तीसरा जो है वो है
इंडो, तीसरे शैली जो थी वो इंडो थी, जिसमें सारा सैनिक शैली जिसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों को मिलाया गया था, भारतीय शैली और यूरोपीय शैली को मिश्रित करके बनाया गया था। इसका प्रमुख उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया, बंबई का ताजमहल होटल। आपने इन दोनों होटल, बंबई का ताज होटल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस होटल है। तो वो तीसरी शैली इंडो के हिसाब से बनाया गया था, जिसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों को मिलाया गया था। तो ये औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण करने की ये तीन विधियां हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे की स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे हिल स्टेशनों का विकास। अब हिल स्टेशन क्या है इसके बारे में आपको जानना है। हालांकि हिल स्टेशन आज के समय में सभी लोगों को पता है क्या होता है, छुट्टी बिताने का ठंडा जगह कह सकते हैं आप इसे, ऐसा ठंडा जगह जहां पे आप पूरे साल में एक दो महीने जाके आराम कर सकते हैं, छुट्टियां बिता सकते हैं फैमिली के साथ, उन्हें हिल स्टेशन कहा जाता है। तो ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सेना की आवश्यकता के कारण शुरू में हिल स्टेशन विकसित शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार कहने का मतलब है अंग्रेजों के जो शासन हुआ करते थे हमारे यहाँ, उन्होंने हिल स्टेशन बनाना शुरू किया। किसके लिए, अपने सैनिकों के लिए, क्योंकि गोरखा जो युद्ध हुआ करता था उसी के दौरान शिमला का स्थापना हुआ। शिमला भारत का एक बहुत ही, हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसका राजधानी है शिमला, तो यहाँ पे उसका निर्माण किया गया। निर्माण कहने का मतलब उसकी स्थापना की गई। एंग्लो मराठा युद्ध ने माउंट आबू 1818 की बात है का विकास किया, जिसमें दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के शासक से लिया गया था। अब यहाँ पे समझिएगा, दार्जिलिंग का जो सिक्किम के शासक थे उनसे दार्जिलिंग को ले लिया गया, क्योंकि दार्जिलिंग भी एक छुट्टी बिताने का बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही फेमस जगह है। पहाड़ियों की समशीतोष्ण और ठंडी जलवायु को सैनिटेरियम कहने का मतलब है वो स्थान जहां पर सैनिक आराम और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जाते थे, तो क्या कहा जाता है, सैनिटेरियम। अब इनको इसी कारण से ऐसे जगहों पर भेजा जाता था कि ऐसा माना जाता था कि ये जो क्षेत्र है, ये जो जगह है, यहाँ पे हैजा मलेरिया आदि बीमारियां नहीं होते थे, यहाँ पे ये सब चीजें मुक्त होते थे, इसीलिए इसे हिल स्टेशन बना के अंग्रेजी सैनिकों को यहाँ पर आराम करने के लिए भेज दिया जाता था। पहाड़ी क्षेत्र और स्टेशन यूरोपीय शासकों के लिए आकर्षक स्थान बन गए। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र थे और जितने भी हिल स्टेशन थे, वो वहां के जो यूरोप के गोरे लोग आए थे हमारे भारत में, उनके लिए आकर्षण का क्षेत्र बन गया। गर्मियों के मौसम के दौरान मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए वो नियमित रूप से इन स्थानों पर जाते थे, और घरों, इमारतों और चर्चों को यूरोपीय शैली के अनुसार डिजाइन किया गया था। ये जो सिक्किम जाते थे या शिमला जाते थे, तो ये तो छुट्टी मनाते ही थे गर्मियों के दिन में, साथ ही साथ वहां पे जो इमारतें बनाई गई, वहां पे जो चर्चें बनाई गई, वहां पे जो घर बनाया गया, वो इनके हिसाब से बनाया गया, इनके हिसाब से वहां पे तब्दील किया गया। तो ये था हमारे हिल स्टेशन का विकास। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। तीन बड़े शहर के बारे में भी जानना है, जो मद्रास, कोलकाता और मुंबई था, बंबई भी कह सकते हैं। तो इनका जो विकास क्रम हुआ है, इनका जो विकास हुआ है कैसे हुआ है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। ये ऑलरेडी हमने चर्चा किया है, ये तीनों जो शहर थे ये ज्यादातर इसलिए फेमस थे क्योंकि यहाँ पे मछुआरे थे, समुद्र के किनारे का जगह था, मछुआरे मछली के माध्यम से अपने जीवन को चलाते थे, और बुनाई का गांव था, यहाँ पे बुनाई भी होती थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, और खासकर ये और महत्वपूर्ण तब हो गया जब यहाँ पे इंग्लिश मतलब ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेजों ने अपना व्यापार का केंद्र बना लिया, यहाँ से बिजनेस करना शुरू कर दिया, यहाँ के बंदरगाहों से सामान का आदान प्रदान शुरू कर दिया। तब से ये शहर और भी ज्यादा विकास होने लगे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये कस्बे बड़े शहर बन गए। जो यहाँ पे कस्बा हुआ करता था उनको अंग्रेजों ने बड़े बड़े शहरों में कन्वर्ट कर दिया। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से इन नई राजधानियों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। सबसे पहले तो बता दूं कि जो मुगलों का शासन समाप्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके बाद उनका जो पुराना राजधानी था, शहर था, उसको भी समाप्त करने की होड़ लग गई। इधर जो ये नए नए शहर बना रहे थे अंग्रेज, तो यहाँ के जो शिल्पकार थे, व्यापारी, तो ये इनके शहर में आने लगे ताकि काम और व्यापार इनका बढ़ सके और खुद को संरक्षित रख सके। ये तीन बड़े शहरों का विकास का क्रम था। आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अब समझते हैं कि मद्रास की बसावट और पृथककरण क्या है। तो देखिए, कंपनी ने पहले सूरत में अपना केंद्र स्थापित किया। कहाँ किया? सूरत में। किस कंपनी ने? ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है व्यापार वो सूरत में स्थापित किया, और फिर
पूर्वी तट पर कब्जा करने की कोशिश की, कब्जियाने का सोच लिया, इसने कब्जा करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी दक्षिण भारत में लड़ाई में लगे थे, लेकिन 1761 में फ्रांस की हार के बाद, जब 1761 में फ्रांस हार गया तो मद्रास सुरक्षित हो गया, मद्रास बच गया और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगा, व्यापार के रूप में विकसित होने लगा। अधिकारियों को भारतीयों से शादी करने की अनुमति नहीं थी, जो अंग्रेज थे उन्हें भारतीय लोग से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि अंग्रेजी, डच के अलावा पुर्तगाली को किले में रहने की अनुमति दी गई थी। देखिए यहाँ पे क्या है, विवाह करने का तो प्रस्ताव नहीं था, लेकिन पहले अंग्रेज और डच तो रहते थे यहाँ के किलों में, उसके बाद पुर्तगालियों को भी किले में रहने की अनुमति दे दी गई। वो इसलिए क्योंकि वो यूरोपीय थे और ईसाई भी थे, ईसाई होने के कारण और यूरोपीय होने के कारण उन्हें भी किले में रहने की अनुमति दे दी गई। मद्रास का विकास बोरो की आवश्यकता के अनुसार किया गया था, मद्रास को विकसित तो बनाया गया लेकिन बोरो ने, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से उसे विकास किया, अपने हिसाब से उसका बिल्डिंग बनवाया, अपने हिसाब से सड़क बनवाया, अपने हिसाब से बंदरगाह बनवाया, अपने हिसाब से चर्च बनवाया, अपने हिसाब से संस्कृतियों का विकास किया। बोरो ने मद्रास की सजावट इस प्रकार से की। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, आगे का स्लाइड हमारा कहता है कोलकाता में नगर नियोजन। कोलकाता जो है वो भी उस समय का बहुत ही फेमस था, जिसे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता शहर का विकास सुतानाती, ध्यान समझिएगा, सुतानाती कोलकाता और गोविंदपुर नामक तीन गांव से हुआ। तीन गांव थे कोलकाता के अंदर जो बहुत इंपोर्टेंट थे, इन्हीं के साथ इनका विकास होना शुरू हुआ। कंपनी ने गोविंदपुर गांव की एक साइट को, एक जगह को किले के निर्माण के लिए अनुमति दे दी। गोविंदपुर गांव कलकत्ता का बहुत ही फेमस, उस गांव में एक किले निर्माण का अनुमति दे दिया। किसने? अंग्रेजों ने। कोलकाता के नगर नियोजन धीरे धीरे फोर्ट विलियम से दूसरे हिस्सों में फैल गई, फोर्ट विलियम से दूसरे हिस्से में भी इसका नगर नियोजन फैलने लगा। किसका? अंग्रेजों के द्वारा जो अनुमति दे दी गई थी, उसके बाद एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में उन्होंने किलों पे किले निर्माण करना शुरू कर दिया। कलकत्ता के नगर नियोजन में लॉर्ड बेलेजली ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ अंग्रेज थे जिन्होंने नगर निगम में, मतलब कोलकाता को सजाने में या फिर उनके बिल्डिंग बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ब्रिटिशों ने अधिक झोपड़ियों को हटा दिया, ज्यादातर जितने भी झोपड़ी थे गरीब लोगों को, उन्हें हटा के उखाड़ के फेंक दिया और बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने शुरू कर दिए। इन नीतियों से सफेद और काले शहर के नस्लीय विभाजन को और गहरा कर दिया। ये जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टाउन मैंने आपको बताया है, इन सब कारणों से और गहरा हो गया, लोगों के मन में लग गया कि हमारे खिलाफ ये लोग साजिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे इन नीतियों के खिलाफ जनता का विरोध होने लगा। जनता ने आवाज उठाना शुरू कर दिया कि आप गरीबों की झोपड़ी नहीं हटा सकते, आप अपने बिल्डिंग बनाने के लिए, अपने अंग्रेज शासकों को रखने के लिए बड़े बड़े किले बनवा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गरीबों की झोपड़ी को उखाड़ फेंकें। अगला स्लाइड हमारा कहता है बॉम्बे में वास्तुकला। अब देखिए, हालांकि सरकारी भवन मुख्य रूप से रक्षा, प्रशासन और वाणिज्यिक जैसी कार्यात्मक जरूरतों की सेवा करते थे, ये देखिए समझने वाली बात है, जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स थे, गवर्नमेंट के बिल्डिंग थे, वो मुख्य रूप से रक्षा, प्रशासन और वाणिज्यिक जैसी कार्यात्मक जरूरतों का सेवा देते थे। यहाँ पे इन्हीं सब चीजों का काम होता था, बिजनेस से रिलेटेड सरकारी काम या फिर प्रशासन से जुड़े हुए काम, किसी भी काम को इन्हीं तरह के बिल्डिंग्स में किया जाता था, लेकिन वो अक्सर राष्ट्रवाद, धार्मिक महिमा और शक्ति के विचारों का प्रदर्शन करने के लिए होते थे। वो क्या करते थे, अपने राष्ट्र विचार को या फिर धार्मिक महिमा को, ईसाइयों का धार्मिक महिमा हुआ करता था, या फिर अपने शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इनका प्रदर्शन किया करते थे। बॉम्बे के पास शुरू में 7 द्वीप थे, बाद में यह औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी भी बन गया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी बन गया। 7 द्वीप होने के कारण बॉम्बे को जो है वो राजधानी बनाया गया, वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक राजधानी बनाया गया, और अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता था उसका केंद्र भी बनाया गया वहीं के बंदरगाहों को। बंबई बंदरगाह मालवा से सिंध और राजस्थान का विकास हुआ। अब बंबई का जो बंदरगाह था, मालवा से सिंध और राजस्थान का विकास भी यहीं से हुआ है, और कई भारतीय व्यापारी भी अमीर हो गए। बहुत सारे भारत के ऐसे व्यापारी थे जो उस समय व्यापार करते थे, उन्होंने खूब मुनाफा कमाया, खूब पैसा कमाया और वो अमीर हो गए। इस तरह से आपने देखा कि आपका औपनिवेशिक शहर क्लास 12
हिस्ट्री का चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी मैंने आपको समझा दिया है। तो औपनिवेशिक शहर में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।